हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सीरीज ऑफ पीवाईक्यू एंड जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अबाउट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। सो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं इन द लास्ट 25 ईयर्स और सो, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू किस टाइप का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा, वॉट आर द थीम्स एंड वॉट आर द कोर एरियाज जहां से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 1997 के अंदर पूछा जाता है एंड द क्वेश्चन वॉज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन स्टेटमेंट बोलता है द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफीज इन इंडिया इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सिंपल ऑर्डर बोलता है जो चिश्ती ऑर्डर है सूफीज का, सूफिज्म का जो चिश्ती ऑर्डर था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कौन थे। ध्यान रखिएगा इसमें फाउंडर के बारे में नहीं पूछा गया है, द क्वेश्चन इज अबाउट द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर, क्या वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑलराइट, रीजन का स्टेटमेंट बोलता है द चिश्ती ऑर्डर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अ विलेज चिश्ती इन अजमेर। क्या चिश्ती विलेज जो है वो अजमेर के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। देखो पहला स्टेटमेंट सही है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो चिश्ती ऑर्डर के सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं। राइट, भले ही फाउंडर वो खुद नहीं थे, ध्यान रखिएगा चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर कौन थे, फाउंडर का नाम था अबू इशाक शमी। अबू इशाक शमी ने चिश्ती में मतलब चिश्त में 930 एडी के आसपास में चिश्ती ऑर्डर को फाउंड किया था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें सूफी थे यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने इस पर्टिकुलर पार्ट चिश्त को छोड़ करके ये मूव कर गए थे अजमेर की तरफ, अजमेर जो कि राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है यहां पर आ गए थे और यहां पर उन्होंने प्रीच करना स्टार्ट किया था। सो भारत के अंदर अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कौन से हैं तो इट इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑलराइट, लेकिन देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया कि सबसे इंपॉर्टेंट सूफी यही थे, बट सेकंड बोल रहा है कि जो चिश्ती ऑर्डर है तो उसका जो नाम है चिश्त, क्या ये चिश्त वर्ड अजमेर के किसी सिटी से लिया गया है। द आंसर इज नो, चिश्त वर्ड जो है वो बेसिकली अफगानिस्तान में एक सिटी है, ठीक है, चिश्त जो है एक टाउन है अफगानिस्तान में हिरात के पास में है। सो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो आर इज रॉन्ग, अगर आर इज रॉन्ग तो आंसर विल बी चार्ली। राइट, आंसर इज सी। अब देखो एक चीज और समझना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे जैसा मैंने आपको बताया वो हिरात को छोड़कर यानी कि चिश्त को छोड़कर के अजमेर आ जाते हैं जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, जब वो भारत आते हैं तो इंडिया के अंदर आके उन्होंने बहुत सारा दान किया था और दान करने के कारण उनका नाम जो है गरीब नवाज हो गया था। गरीब नवाज यानी कि गरीबों के नवाज, गरीबों के फरिश्ते, ये उनको नाम दिया गया था बाय द लोकल पीपल जो यहाँ पर रहते थे। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं चिश्ती ऑर्डर के जो कि सूफिज्म के का पार्ट है एक बेसिकली एक, और उनको बोला जाता है गरीब नवाज भी, और वो बेसिकली हिरात से ना ऑपरेट करके अजमेर में आए थे और अजमेर में आकर वो प्रीच करते थे। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस क्वेश्चन से क्या मालूम चलता है, दिस क्वेश्चन शोज कि वी शुड बी अक्वेंटेड विद ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट सूफी, जितने भी सूफी सेंट्स हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2001 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहां पर एक तरफ तो भक्ति सेंट्स के नाम दिए हुए हैं, नामदेव, कबीर, रविदास, सेना, और उनके क्या प्रोफेशंस हुआ करते थे, इनमें से कौन बार्बर थे, कौन वीवर थे, कौन टेलर थे, कौन कॉबलर थे, इस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट एक या दो जो आपको पता हो, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको यहाँ पर जो आंसर होगा मतलब आपको जो चीजें होंगी एटलीस्ट रविदास जी के बारे में डेफिनेटली मालूम होगा, बिकॉज रविदास जी जूते बनाने का काम किया करते थे। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर तो जूते बनाने का काम जो है रविदास जी क्या किया करते थे, तो सी का यहाँ पर 4 हो जाएगा। सो देखो सी का 4 यही दो बचते हैं, दीज आर द 2 ऑप्शंस। राइट, अब देखो अगर सी का 4 है तो रविदास ने कॉबलर का काम किया है, कबीर जी ने किस चीज़ का काम किया है, कबीर जी क्या बार्बर थे, वीवर थे या फिर टेलर थे, तो आपको पता होगा कि कबीर जी बुनने का काम करते थे तो वीविंग करते थे, बी का यहाँ पर 2 हो गया। तो मोमेंट यू गेट इट यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो एक बार हम डिस्कस करते हैं, नामदेव जी क्या करते थे, नामदेव जी यहाँ पर एक टेलर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा वो सिलाई का काम करते थे, कबीरदास जी बुनाई का काम करते थे, वीवर थे वो। ठीक है, रविदास जी जो थे वो कॉबलर थे यानी कि जूते बनाते थे, एंड सेना जो थे वो बार्बर थे। ठीक है, बाय प्रोफेशंस ये लोग ये काम किया करते थे। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पर रिपीट हो सकता है। ठीक है,
सो एज आई टोल्ड यू, देखो सबसे पहले नामदेव जी के बारे में बात करते हैं। नामदेव जी जो है टेलर थे, जो कि पंधारपुर में रहते थे और वहां पर जो विठल भगवान थे, विठल भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, वर्कारी सेक्ट को फॉलो करते थे। सो नामदेव जी वर्कारी सेक्ट से बिलोंग करते थे। रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट कबीर साहब की बात करें, कबीर साहब एक वीवर थे बेसिकली, जो कि बुनने का काम करते थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कपलेट्स लिखे हैं, बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, जिनको दोहा, साखी या श्लोक के रूप में आज भी जाना जाता है। थर्ड देखते हैं रविदास जी के बारे में। रविदास जी जो थे वो एक कॉबलर थे, मतलब जूते बनाने का काम किया करते थे। एंड उन्होंने रामदास सेक्ट को फॉलो किया था, मतलब उन्होंने रामदास सेक्ट बनाया था। इसके अलावा ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ सेंट रामानंद भगवान, जो संत थे रामानंद संत, उनके डिसाइपल हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा संत रामानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज संत रामानंद वॉज द वन जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज में अपने मैसेजेस को प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। सो संत रामानंद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे सेना है वो एक बार्बर हुआ करते थे, वो भी वर्कारी सेक्ट के मतलब बिलोंग करते थे, और वो भी संत रामानंद से के डिसाइपल थे। नाउ यहाँ पर आपको दो चीज़ें मालूम चल गई। पहली चीज, कौन से दो संत हैं जो कि वर्कारी सेक्ट को फॉलो करते थे, तो एक है नामदेव, एक है सेना। और कौन से दो संत हैं जो कि रामानंद जी को फॉलो करते थे, एक है यहाँ पर रविदास जी और एक है यहाँ पर सेना, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, और आपको ये चीज़ समझ आ गई कि क्वेश्चंस यहाँ पर किस तरीके से पूछे गए हैं। देखो ये क्वेश्चन को याद करने वाला क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपने हर एक बुक के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ आप डेफिनेटली पढ़ोगे कि रविदास जी एक कॉबलर थे, कबीर जी एक वीवर थे, सेना जो थे बार्बर थे, नामदेव जी टेलर थे। लेकिन हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, हम कहीं ना कहीं इनको इग्नोर कर देते हैं। सो व्हाट यूपीएससी वांट्स अस टू डू इज इट वांट्स अस टू रीड थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। अगर आप बार बार पढ़ोगे उस चीज़ों को तो यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट इट। तो बेसिकली आप उन चीज़ों को भूलिएगा नहीं, आप उन चीज़ों को यू नो मिस नहीं कीजिएगा, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2002 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट हु यूज्ड हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैसेज। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया यहाँ पर संत रामानंद के बारे में। संत रामानंद जो थे ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने हिंदी का प्रचार स्टार्ट किया था, हिंदी के अंदर प्रचार स्टार्ट किया था। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर अगले साल पूछा जाता है। देखिए दादू दयाल, कबीर साहब, रामानंद जी और तुलसीदास, इनमें से वो कौन थे जिन्होंने हिंदी के अंदर अपने मैसेजेस को पास ऑन करना स्टार्ट किया था। आंसर विल बी रामानंद, ठीक है। सो रामानंद वॉज द वन, जो कि ध्यान रखिएगा रामानंद जी जो थे वो रविदास जी और सेना जी के गुरु भी थे, और साथ ही साथ ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने हिंदी का लैंग्वेज जो है उसको स्टार्ट किया था। ऑलराइट, अब देखिए रामानंद जी का पूरा नाम क्या था, श्री रामानंद चार्य। वो बेसिकली 14th सेंचुरी में आए थे और वो एक वैष्णव संत थे, ध्यान रखिएगा वैष्णव संत थे। साथ ही साथ उन्होंने रामानंदी सेक्ट को स्टार्ट किया था, जस्ट रिमेंबर। सो रामानंद ने रामानंदी को स्टार्ट किया था, और यहाँ पर देखिए रविदास ने रामदास सेक्ट को स्टार्ट किया था। सो रविदास, ध्यान रखिएगा रामदास, रविदास ने स्टार्ट किया था रामदास सेक्ट, रविदास ने रविदास सेक्ट स्टार्ट नहीं किया था, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। रविदास ने रामदास सेक्ट स्टार्ट किया था, और रामानंद जी ने, जो रामानंद जी थे उन्होंने रामानंदी सेक्ट अपने ही नाम पर स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा माना जाता है कि नॉर्दर्न इंडिया जो है, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो संत परंपरा शुरू हुई है, मतलब सूफी मूवमेंट, भक्ति और सूफी मूवमेंट में सूफीज़म जो था वो इस्लाम की तरफ जा रहा था, राइट। और भक्तिज़म जो था वो बेसिकली हिंदूज के लिए है, ठीक है, एंड बाकी जितने भी ऑर्डर्स हैं उनके लिए है। सो जो संत परंपरा का शुरुआत हुआ है, माना जाता है वो संत जो नाम रामानंद थे उन्होंने ही शुरुआत की थी, और वही जो थे वो हिंदी का लैंग्वेज यूज़ करना इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2002 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन सेज, विद रेफरेंस टू सूफिज्म इन इंडियन हिस्ट्री, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला बोलता है, शेख अहमद जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सूफी संत है, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम लोदी। क्या शेख अहमद इब्राहिम लोदी का कंटेम्प्रेरी है? देखो इब्राहिम लोदी यहाँ पर 1526 के आसपास में रूल कर रहा है, जब उसको बाबर ने हराया है, राइट। तो 1526 में क्या शेख अहमद प्रेजेंट थे? द आंसर इज नो, ही वॉज प्रेजेंट इन 13th सेंचुरी, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब नेक्स्ट आता है, शेख नशीरुद्दीन चिराग ए देलवी, नशीरुद्दीन चिराग ए देलवी, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। नाउ निजामुद्दीन औलिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली संत थे, क्या उनके एक डिसाइपल थे शेख नजीरुद्दीन चिराग ए देलवी? ऑलराइट, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है, औरंगजेब वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के क्या कंटेम्प्रेरी थे? नाउ ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये यूपीएससी ने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब और शेख सलीम, क्या इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन है? द आंसर इज नो,
औरंगजेब जो है वो ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी के आसपास भी प्रेजेंट थे, 17th-18th सेंचुरी के आसपास प्रेजेंट थे। शेख सलीम जो है 14th सेंचुरी में प्रेजेंट थे। नाउ शेख सलीम के साथ औरंगजेब का कंसेप्ट में जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली बैठता नहीं है, तो थ्री भी हट गया, वन ऑलरेडी हटा हुआ था एंड थ्री भी हट गया। ठीक, सो वन इज गॉन एंड थ्री इज गॉन, सो द आंसर शुड बी डेल्टा, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। लेट्स अंडरस्टैंड। फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है द कादरी ऑर्डर ऑफ सूफीज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई शेख नीमतुल्ला एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी। सो दिस इज करेक्ट एंड सेकेंड वन इज करेक्ट। तो आपका काम यहां पर क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड व्हाटएवर क्वेश्चंस हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी, वी शुड बी एक्वेंटेड विद दैट थिंग। हमें चीज पता होनी चाहिए। पहला क्या पता होना चाहिए कि जो शेख नशीरुद्दीन चिरागे दिलवी है, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। पहली चीज तो किस संत का कौन डिसाइपल था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर। और सेकंड, जो सूफिज्म में कादरी ऑर्डर था, कादरी ऑर्डर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था भारत के अंदर, इट वॉज शेख नीमतुल्ला मखदूम मोहम्मद जिलानी के साथ में। शेख नीमतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी और साथ में एक और पर्सन थे मियां मीर, इन तीनों ने साथ में मिलकर के बेसिकली कादरी ऑर्डर को शुरुआत की थी भारत के अंदर। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। आई विल सजेस्ट यू टू मेक शॉर्ट नोट्स, छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लीजिए एंड इन दैट वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरीके से अगर हम इसको रिवाइज करते रहेंगे तो ये बहुत आसानी से हमें याद हो सकते हैं। ऑलराइट, सो द आंसर विल बी डेल्टा, दैट इज 2 and 4। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। पहला जो स्टेटमेंट था कि शेख नसीरुद्दीन चिरागे देलवी जो थे, क्या वो शेख निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे, द आंसर इज येस। देखो, शेख नसीरुद्दीन चिरागे देलवी जो है वो बेसिकली सूफी संत चिश्ती ऑर्डर के एक बहुत इंपॉर्टेंट संत हुआ करते थे। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया के वो सिर्फ एक भक्त ही नहीं थे, रादर माना जाता है कि वो उनके सक्सेसर भी थे। मतलब निजामुद्दीन औलिया के बाद जो नेक्स्ट सूफी संत को चूज किया गया था, इट वॉज शेख नसीरुद्दीन चिरागे देलवी। और उनको चूज किसने किया था, खुद निजामुद्दीन औलिया ने उनको चूज किया था। और माना जाता है कि चिश्ती ऑर्डर में वो लास्ट इंपॉर्टेंट सूफी थे, मतलब इनके बाद जितने भी सूफी आए वो उतने प्रोमिनेंट या उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो पाए। पहली चीज। सेकेंड स्टेटमेंट जो था वो कादरी ऑर्डर के बारे में है। सूफिज्म में जो कादरी ऑर्डर है उसको फाउंड करने में तीन लोगों का इंपॉर्टेंट हाथ रहा है। पहला है शेख निमतुल्ला, दूसरा है मखदूम मोहम्मद जिलानी और तीसरा है मियां मीर। इन तीनों ने साथ में मिलकर उसको एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो सिलसिला ऑर्डर था सूफिज्म में, उसके दो इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट जो है, दो इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स जो है, वो मुगल दरबार के अंदर प्रेजेंट थे। पहला था जहानारा बेगम और दूसरे थे दारा शिकोह, औरंगजेब के दोनों बच्चे थे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। Let's move on to the next question. अगला question 2004 के अंदर पूछा गया था and it talked about a chronological order. ये तीन गुरुओं के बारे में बोलता है, तीन संत के बारे में बताता है, उन तीनों का order पूछता है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। So तीन जो है वो दे आर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु, ये तीन थे। ठीक है, तो इन तीनों का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है, वही चीज इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, शंकराचार्य चैतन्य रामानुज, इसी को यहां पर के बेसिकली घुमा फिरा कर पूछा गया है सिंपल वर्ड्स में। ऑलराइट, सो आंसर क्या होगा यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखने की कोशिश कीजिए इन तीनों में सबसे रिसेंट आपको कौन से लग रहे हैं। नाउ इफ यू हैव यू नो रेड थिंग्स एंड आसपास की चीज़ें, स्पेशली अगर आपने भक्ति और सूफिज्म जो वाला जो पार्ट है उसको अगर आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, तो यू विल बी नोइंग कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो तो काफ़ी लेट आए थे, मतलब ही केम इन 15th-16th सेंचुरी के आसपास में। ठीक है, सो चैतन्य महाप्रभु जो है वो सबसे लास्ट में आए थे, तो इन दोनों से तो डेफिनेटली बाद में आए थे, शंकराचार्य जी से और रामानुजाचार्य जी से। सो चैतन्य महाप्रभु अगर लास्ट में आए हैं तो दो ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु लास्ट में मेंशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, इन दोनों में से पहले कौन आए थे। अब बहुत ही ईजिली आप यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हो कि शंकराचार्य जी पहले आए थे, उसके बाद रामानुजाचार्य आए थे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए थे। और इस चीज़ को याद करने के लिए आपको कोई भी ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, रादर आपको सिर्फ उस चीज को बार बार पढ़ना है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड इफ यू आर एबल टू रीड थिंग्स बार बार रिपीटेडली, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। ठीक है, शंकराचार्य जी सबसे पहले आते हैं, देन केम रामानुजाचार्य, देन केम चैतन्य महाप्रभु, तो आंसर विल बी अल्फा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं शंकराचार्य जी से। वो 8th century AD के अंदर आते हैं और उन्होंने अद्वैत वेदांत की मतलब स्थापना की थी भारत के अंदर। दूसरे हैं रामानुजाचार्य, वो 1017 के अंदर आते हैं और उन्होंने वैष्णव ट्रेडिशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वैष्णव बेसिकली संत थे रामानुजाचार्य। तीसरे चैतन्य महाप्रभु, वो 15th century के अंदर प्रेजेंट थे और माना जाता है कि जो वेदांतिक फिलोसफी थी एक, जिसका नाम था अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अचिंत्य भेद अभेद तत्व,
देखो ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि ये पर्टिकुलर फिलोसफी किसने दी थी। जस्ट रिमेंबर दिस वॉज गिवन बाई चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर गौरंग भी बोला जाता है, गौरांग। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, द क्वेश्चन सेज, इट वॉज आस्क्ड इन 2004 एंड द क्वेश्चन सेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिख गुरुज, सिखों के जो गुरु हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन सेज, बंदा बहादुर वॉज अपॉइंटेड एज द मिलिट्री लीडर ऑफ सिख बाई गुरु तेग बहादुर, क्या ये सही है? सेकेंड बोलता है, गुरु अर्जन देव बिकेम द सिख गुरु आफ्टर गुरु रामदास। एंड थर्ड बोलते हैं, गुरु अर्जन देव गेव द सिख देयर ओन स्क्रिप्ट कॉल्ड एज गुरुमुखी। सो ये तीन स्टेटमेंट पूछे गए हैं, उनमें से कौन कौन से सही हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहला बोल रहा है कि क्या बंदा बहादुर वॉज अपॉइंटेड एज द मिलिट्री लीडर ऑफ सिख बाई गुरु तेग बहादुर। द आंसर इज यस। देखो आपने बंदा बहादुर के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, बंदा बहादुर वॉज द वन हु एक्चुअली फॉट अगेंस्ट द मुगल्स, मुगल्स अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया था, और एज अ मिलिट्री लीडर इनको अपॉइंट किया गया था गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोलते हैं, गुरु अर्जन देव बिकेम द सिख गुरु आफ्टर गुरु रामदास, क्या ये सही है कि गुरु रामदास जी के बाद गुरु अर्जन देव जी को सिखों का गुरु बनाया गया था? आंसर इज यस। गुरु रामदास जी चौथे गुरु थे और जो गुरु अर्जन देव जी है वो यहाँ पर पांचवें गुरु थे। सो बिल्कुल सही है कि गुरु रामदास जी के बाद यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी को एक सिखों का गुरु बनाया गया था। ठीक है, तीसरा बोलते हैं, गुरु अर्जन देव गेव द सिख टू देयर ओन स्क्रिप्ट कॉल्ड एज गुरुमुखी, क्या गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है गुरु अर्जन देव जी ने दी है? द आंसर इज नो, दिस हैज बीन गिवन बाय गुरु अंगद। गुरु अंगद ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद जी ने इनको दी है गुरुमुखी, ना कि गुरु अर्जन देव जी ने। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर सही हो गया, थर्ड गलत हो गया, द आंसर विल बी डेल्टा। ठीक है, सो आई होप इट इज करेक्ट। देखो बंदा बहादुर एज अ मिलिट्री लीडर उनको अपॉइंट किया गया था भाई गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी जो है वो पांचवें गुरु बनते हैं आफ्टर गुरु रामदास जी जो कि चौथे गुरु थे 1581 एडी के अंदर। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया गुरु अंगद जो थे उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट दी थी, ना कि गुरु अर्जन देव जी ने। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन 2009 के अंदर पूछा जाता है, द क्वेश्चन सेज, अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट, इनमें से कौन भक्ति कल्ट का प्रोपोनेंट नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। देखो दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने बुद्धिज्म वाला पार्ट पढ़ा है तो यू वुड बी नोइंग अबाउट नागार्जुन। नागार्जुन जो थे बेसिकली उन्होंने माध्यमिक दर्शन लिखा था, माध्यमिक दर्शन नाम की किताब लिखी थी, और माध्यमिक दर्शन जो थी वो बुद्धिज्म के टाइम में लिखी गई थी। जस्ट रिमेंबर ही वाज अ बुद्धिस्ट सेंट, नॉट अ भक्ति कल्ट का सेंट। तो दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा ध्यान से एंड काम माइंड से इसको सॉल्व करेंगे तो इट वुड हैव बीन सॉल्वेबल। तो नागार्जुन एक इंडियन बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे जिन्होंने शून्यता की एविडेंस, शून्यता के बारे में बोला था, शून्यता यानी कि कंसेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस के बारे में बोला था, और साथ ही साथ उन्होंने मध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के बारे में भी लिखा था, और माध्यमिक दर्शन नाम की किताब भी नागार्जुन ने लिखी थी। नंबर 10, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 के अंदर पूछा जाता है, द क्वेश्चन सेज, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, द सूफी मिस्टिक्स वर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, इनमें से कौन से प्रैक्टिसेस सूफी मिस्टिक्स किया करते थे? पहला, क्या वो मेडिटेशन और कंट्रोल ऑफ ब्रेथ करते थे? दूसरा, क्या वो एस्केटिक एक्सरसाइज करते थे ना लोनली प्लेस, मतलब क्या वो अकेले जाकर तपस्या करते थे? ठीक, और तीसरा, डिड दे रिसाइटेड होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्टेसी इन देयर ऑडियंस, क्या वो मतलब गाना गाकर लोगों को प्रभावित करते थे, मतलब काफी ज्यादा अराउज करते थे, मतलब उनको खुश करते थे बेसिकली भगवान के प्रति? तो इनमें से सूफी संत क्या 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 करते थे? देखो ध्यान रखिएगा, सूफी संत भी तो एक संत ही है ना, और जितने भी संत होते हैं उनका मेन एम क्या होता है? उनका मेन एम होता है भगवान से मिलना, और भगवान से मिलने के लिए वो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, उनमें से सॉन्ग इज वन, ठीक है, उसमें से मेडिटेशन इज ऑल्सो वन, उसमें से जो ये एस्केटिक होता है यानी कि तपस्या होती है दैट इज ऑल्सो वन। सो हर एक संत किसी भी ऑर्डर के हो वो डेफिनेटली मेडिटेशन करेंगे, अपने ब्रेथ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, दूसरा वो डेफिनेटली अकेले बैठकर तपस्या करने की कोशिश करेंगे सो दैट वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके, और तीसरा डेफिनेटली वो होली सॉन्ग्स को गाते हैं सो दैट अपने ऑडियंस के अंदर वो भगवान के प्रति प्रेम और प्यार को जगा सके। द आंसर विल बी डेल्टा, दैट इज ऑल ऑफ दीज थ्री आर करेक्ट। जस्ट रिमेंबर सूफी संत भी ये सारी चीजें करते थे, जस्ट लाइक जो हमारे इंडियन हिंदू सेंट्स हैं वो लोग भी ये सब चीजें किया करते थे। सूफिज्म की बात करें, सूफिज्म इस्लाम का एक मिस्टिक फॉर्म है जिसके अंदर मेन एम क्या है? स्पिरिचुअल सर्च ऑफ गॉड, ठीक है, और वो इम्फोसिस करते हैं, मतलब फोकस करते हैं लव और डिवोशन टुवर्ड्स गॉड के ऊपर, भगवान के प्रति प्रेम और प्यार के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 के अंदर जो पूछा गया था। द
द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स दादू दयाल जी गुरु नानक एंड त्यागराज ये तीन संतों के नाम दिए हुए हैं द क्वेश्चन सेज हु अमंग द अबव वाज प्रीचिंग व्हेन द लोधी डायनेस्टी फेल एंड द बाबर टुक ओवर मतलब बेसिकली सिंपल वर्ड्स 1526 में इनमें से कौन प्रेजेंट थे त्यागराज बहुत एंशियंट टाइम में प्रेजेंट थे दादू दयाल 14th सेंचुरी के अंदर प्रेजेंट थे आंसर विल बी गुरु नानक देव जी गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 1469 AD के अंदर हुआ था एंड ही डाइड इन 1539 और जस्ट बिफोर हिज डेथ 1526 के अंदर उन्होंने फॉल ऑफ लोधी डायनेस्टी देखा था एंड ही सॉ द एक्सेशन ऑफ बाबर ऑन द थ्रोन और जब बाबर बेसिकली पावर में आता है तो बाबर ने गुरु नानक देव जी के बारे में बहुत सुना था तो ही वॉन्टेड टू मीट गुरु नानक देव जी और जब वो उनसे मिलता है तो गुरु नानक देव जी को देख करके माना जाता है कि जो बाबर है ही वॉज मेस्मराइज्ड और उन्होंने मतलब उनको इंस्टेंटली बोला था कि ही इज अ संत उनको संत का एक उपाधि दिया गया था बाई बाबर ठीक है आई होप दिस मच इज करेक्ट आई होप दिस मच इज क्लियर ठीक है तो एक क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव जी और बाबर जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ठीक है दोनों के बीच में डायरेक्टली टाइम का कोरिलेशन था ऑलराइट लेट्स मूव अहेड अगला क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछा गया है 2014 के अंदर एंड द क्वेश्चन सेज बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल कि दादू दयाल जी की जो टीचिंग्स है उनको कंपाइल करके बीजक कहा जाता है और दूसरा द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाई माधवचार्य क्या ये दोनों सही है स्टेटमेंट पहला चीज क्या बीजक जो है वो दादू दयाल जी की टीचिंग्स है द आंसर इज नो बीजक जो है ही इज इट इज अ टीचिंग ऑफ कबीर साहब ये देखिए बीजक जो कबीर दास जी की जितनी भी टीचिंग्स है उन सबको बेसिकली बीजक कहा जाता है पहली चीज तो ठीक है जिसके अंदर वो बात करते हैं कि भगवान एक है किसी भी रिलीजन की बात कर लो किसी भी सेक्ट की बात कर लो भगवान इज ओनली वन देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग और इसी सब चीजों के ऊपर कबीर साहब ने बहुत सारी अलग अलग किताबें लिखी है जैसे कि एक तो हो गया बीजक इसके अलावा साखी ग्रंथ अनुराग सागर कबीर ग्रंथावली राइट ये सारी किताबें उन्होंने यहाँ पर लिखी हैं और सेकंड की बात करें अगर हम सेकंड था कि पुष्टि मार्ग का फाउंडर कौन था वॉज इट माधवचार्य नहीं इट वॉज वल्लभचार्य ध्यान रखिएगा वल्लभचार्य ने फाउंड किया था यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेक्ट है उसको सो बेसिकली जब हम पुष्टि मार्ग की बात करते हैं तो वल्लभचार्य ने बोला था कि चार तरीके के पुष्टि मार्ग हो सकते हैं मतलब चार तरीके के पहला है प्रवह पुष्टि मार्ग दूसरा है मर्यादा पुष्टि मार्ग तीसरा है पुष्टि पुष्टि मार्ग चौथा है शुद्ध पुष्टि मार्ग जैसे नंबर दस थिंग ठीक है ये चार पुष्टि मार्ग जो है वो आपको मोक्ष प्राप्ति में हेल्प करेंगे बेसिकली सॉल्वेशन में हेल्प करेंगे भगवान के करीब जाने में हेल्प करेंगे ये वल्लभचार्य जी का कहना था और तीसरा देखो यहाँ पर माधवचार्य जी के बारे में मेंशन है तो लेट्स टॉक अबाउट माधवचार्य ऑल्सो माधवचार्य जी जो थे वो कर्नाटक के एक संत थे जो कि वैष्णव वैष्णविज्म को फॉलो करते थे बेसिकली माना जाता है कि उन्होंने अद्वैत लिटरेचर को स्टार्ट किया था और उपनिषद के अंदर भी उन्होंने काफी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इसके अलावा द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत जो द्वैत स्कूल है वो भी उन्होंने स्टार्ट किया था और इसलिए जो इनकी फिलॉसफी है उसको तत्ववाद बोला जाता है तत्ववाद ठीक है बिकॉज वो द्वैत के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज तत्ववाद ऑलराइट ठीक है सो आई होप दिस वन इज क्लियर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा दैट इज नन ऑफ दीज आर करेक्ट दोनों ही गलत है पहला जैसे हमने बात की बीजक जो है वो कबीरदास जी की है और दूसरा जो यहाँ पर पुष्टि मार्ग है वो माधवचार्य जी नहीं रादर वल्लभचार्य जी उसको लेकर आते हैं फाउंड करते हैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 के अंदर जो पूछा गया था द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू हूम स्थानकवासी कौन थे देखो ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है कि नाउ वी कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस थिंग ये क्वेश्चन जो है स्थानकवासी जो है वो जैनिज्म का पार्ट है स्थानकवासी ठीक है और स्थानकवासी जो है वो एक्चुअली ध्यान रखिएगा डायरेक्टली जैनिज्म का पार्ट नहीं बना था रादर जैनिज्म का एक सेक्ट हुआ करता था जिसका नाम था लोंका सेक्ट लोंका सेक्ट जो है वो लोंका शाह ने स्टार्ट किया था 1474 AD के अंदर और यही लोंका शाह आगे जाकर के बेसिकली डिवाइड हो जाता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर जिसमें से एक पार्ट बनता है स्थानकवासी जैसे मुंबई ठीक है और लोंका शाह को जो लोंका सेक्ट था इसको यहाँ पर धुंधिया भी बोला था धुंधिया धुंधिया मतलब ढूंढिया मतलब भगवान को ढूंढते हैं और साधु मार्गी मतलब बेसिकली साधु बनकर के तपस्या करते हैं और भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं सो जस्ट रिमेंबर लोंका सेक्ट जो है वो जैनिज्म का पार्ट है लोंका शाह ने इसको स्टार्ट किया था ढूंढिया और सिद्धू मार्ग इसको बोला जाता है और लोंका शाह बाद में स्थानकवासी बन गया जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर और देखो स्थानकवासी की बात अगर करते हैं तो श्वेतांबर जैनिज्म जो है श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े पहनते हैं उनके अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ आती है तो जैनिज्म में दो इंपॉर्टेंट बेसिकली संत हुआ करते थे ठीक है यहाँ पर एक थे यहाँ पर स्थूल बाहु एंड भद्रबाहु भद्रबाहु जो थे वो कर्नाटका चले गए थे और स्थूल बाहु वहीं पर रह गए थे और जो रह गए थे यहीं पे बेसिकली जर्नलिज्म को बचाने के लिए उन्हीं को यहाँ पर
मतलब उसी के अंदर से श्वेतांबर जैनिज्म निकला है और वहीं से बेसिकली स्थानिक वासी वाला पार्ट जो है वो भी निकला है। ठीक है, ध्यान रखिए कई लोग आइडल वर्शिप पे विश्वास नहीं करते हैं, दे डोंट बिलोंग इन आइडल वर्शिप, इसलिए आप जैनिज्म में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं देखेंगे, मूर्तियाँ बहुत ही कम होती है। ठीक है, जैसे मैं बता सकता हूँ, और जैसा मैंने आपको बताया तानकवासी जो है वो डायरेक्टली जैनिज्म का पार्ट नहीं बना, रादर वो लोंका सेक्ट से डिवाइड होकर आया है। लोंका सेक्ट जो है वो पहले बना था जैनिज्म में, लोंका सेक्ट से डिवाइड होकर स्थानकवासी बना है। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, सो यहाँ इसका आंसर यहाँ पर जैनिज्म होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, संत निम्बर्क वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर, क्या संत निम्बर्क जो है वो अकबर के कंटेम्पररी थे, और दूसरा बोला जाता है संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई शेख अहमद सरहिंदी। समझिए, संत निम्बर्क और अकबर के बीच में लगभग 100 साल का डिफरेंस था। संत निम्बर्क जो थे वो 14th century के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट थे भारत के अंदर, 14th century के अंदर। अकबर जो थे वो 1556 से रूल करना स्टार्ट करते हैं, 1606 तक रूल करते हैं। सो ऑलमोस्ट 100-200 साल का डिफरेंस है संत निम्बर्क और अकबर के बीच में, सो ऑब्वियसली वो कंटेम्प्रेरी नहीं हो सकते। सेकेंड, संत कबीर जो है क्या वो शेख अहमद सरहिंदी से काफ़ी ज़्यादा वो थे, मतलब प्रभावित थे? द आंसर इज अगेन नो। संत कबीर और संत जो शेख अहमद सरहिंदी थे इनके बीच में भी कम से कम 100 साल का डिफरेंस है। देखो, संत कबीर तो 15th century के अंदर प्रेजेंट थे, 15th century के अंदर, बट शेख अहमद सरहिंदी जो है वो माना जाता है 16th century के अंदर आए थे, 16th century के अंदर उनका बर्थ हुआ था, 1500 कुछ में उनका बर्थ ही हुआ था। सो ऑब्वियसली दोनों के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, रिमेंबर दिस थिंग। सो देखो, ये एक्चुअली शो करता है कि वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन संत किस टाइम में प्रेजेंट थे, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पर कंटेम्प्रेरी के ऊपर बहुत सारे आ रहे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, जितना हमने डिस्कशन किया बहुत सारे क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी सेंट्स के ऊपर थे, फिर कौन सा संत कौन से राजा के कंटेम्प्रेरी है, ऐसे वाले क्वेश्चन थे। तो वी शुड बी अकॉन्टेड विद कि कौन सा संत किस समय में आया था, सो दैट हम ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ऑलराइट, तो जैसा हमने बात की, संत निम्बर्क जो है ये वाले फर्स्ट क्वेश्चन वाले 13th से 14th century AD के अंदर आते हैं, और वैष्णविज्म सेक्ट जो है तेलंगाना के अंदर उसको उन्होंने काफी ज्यादा प्रोपोनेट किया है, उसको बढ़ाया है। नेक्स्ट, संत कबीर जो है वो बेसिकली संत रामानंद से इन्फ्लुएंस थे, जैसा हमने पहले पिछले क्वेश्चन में एक बार डिस्कस किया था, संत कबीर वॉज इन्फ्लुएंस बाय संत रामानंद एंड नॉट बाई जो बेसिकली अहमद सरहिंदी है उनके द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं थे, क्योंकि वो अहमद सरहिंदी बहुत बाद में आए थे। ठीक है, और संत कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं। निर्गुण का मतलब होता है एक ऐसा भगवान जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, मतलब कोई फॉर्म नहीं है, बेसिकली हम उन्हें देख नहीं सकते, हमें विश्वास करना होगा उन पर, हम लव कंपैशन और उनके एट्रीब्यूट्स की पूजा कर रहे हैं, ना कि किसी फॉर्म की। ठीक है, ये 15th century में आए थे संत कबीर। और फाइनली शेख अहमद सरहिंदी की अगर हम बात करते हैं तो 16th century के अंदर आते हैं, इस्लामिक स्कॉलर है और नक्शबंदी सिलसिला के फाउंडर है। जस्ट रिमेंबर, नक्शबंदी सिलसिला के फाउंडर कौन है? शेख अहमद सरहिंदी। आई होप इट इज क्लियर। एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट से पूछा गया था, 2021 के अंदर द क्वेश्चन वॉज आस्ट। ठीक है, द क्वेश्चन सेज द सूफी संत हु मेंटेन्ड दैट डिवोशनल म्यूजिक वॉज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड वॉज हुम, किस संत ने कहा था कि म्यूजिक को यूज करके हम बेसिकली भगवान तक पहुंच सकते हैं? द आंसर इज मोइनुद्दीन चिश्ती। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें दीज आर लाइक वन लाइनर्स, वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो एक्चुअली बेसिकली हुई थी। ठीक है, व्हाट आर द फैक्ट, इन फैक्ट्स को आप बेसिकली ट्राई कीजिए मल्टीपल टाइम्स पढ़कर, उसको याद कर जाइए। सो जो यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती है, he was the one जिन्होंने कहा था कि भगवान को हम सॉन्ग के थ्रू भी बेसिकली प्राप्त कर सकते हैं, मतलब म्यूजिक के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो बेसिकली अफगानिस्तान में उनका बॉर्न हुआ था, बर्थ हुआ था 1156 के अंदर, और 13 साल की उम्र में ही वो बेसिकली संत बन गए थे। और माना जाता है कि जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने अपने सारी की सारी जितने भी बेसिकली उनके पास इनहेरिटेंसेस थे, जितने पास उनके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, वो सब उन्होंने दान कर दिया था पुअर्स के बीच में, और एक सीधा साधा सिंपल सा लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें प्रॉपरली समझ आ गई हैं, जितने क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, दीज आर ऑल रिलेटेड टू बेसिकली भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज नीडेड टू बी डिस्कस्ड एंड थीम्स नीडेड टू बी कॉट ऑन। तो हमने थीम्स ऑब्वियसली डिस्कस कर लिए हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कौन से सूफी संत किस समय आए थे, उनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो आपको कंटेम्प्रेरी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द टाइप ऑफ ईयर्स, मतलब अगर आपको ये पता चल जाए कि किस समय में वो थे, जैसे कि वो 13th century में थे या 14th century में थे, तो उसके थ्रू भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत प्रिसाइजनेस के ऊपर नहीं आता,
क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 1539 में थे या फिर 1540 में थे, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। क्वेश्चन इज अबाउट 1300 एंड 1600, मतलब इतने दूर होते हैं। सो अगर आप आपको बस इतना पता है कि कोई पर्सन अगर 12th सेंचुरी में था और कोई 17th सेंचुरी में था, तो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दिस पर्टिकुलर सीरीज इज हेल्पिंग यू आउट इन योर तैयारी के समय में, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि यूपीएससी किस समय किस तरीके के क्वेश्चंस को लगातार पूछ रहा है, एंड आई होप दैट इट इज हेल्पिंग यू फॉर्म द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस। इफ यू आर, प्लीज लीव अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।